संकल्प पत्र की बात कर लेते हैं। बीजेपी ने आज ही सुबह संकल्प पत्र जारी कर दिया है और संकल्प पत्र में जो वादे किए गए हैं उन्हें मोदी की गारंटी के साथ जोड़ दिया गया है। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने घोषणा पत्र, जिसे नाम संकल्प पत्र देती रही है बीजेपी, मोदी की गारंटी नाम से ये संकल्प पत्र जारी किया। मोदी की गारंटी संकल्प पत्र की थीम रखी गई है। इसमें छोले कुलचे वालों को संकल्प पत्र की पहली कॉपी दी गई। बस्तर की महिला की लाभार्थी, बस्तर की जो महिला है उन्हें, जो लाभार्थी भी हैं उन्हें संकल्प पत्र की कॉपी दी गई। जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह इस दौरान मौजूद रहे। मोदी सरकार की उपलब्धियों का बखान भी किया गया, पिछले 10 साल में क्या काम किया गया है और आगे जनता मौका देती है तो आगे क्या योजनाएं ऐसी हैं जिनका लाभ लोगों तक पहुंचाया जाएगा। इन सभी बातों का जिक्र आज बड़े नेताओं के जरिए किया गया है और साथ ही साथ जो तीन शब्द हैं ये हर चैलेंज का जवाब नजर आ रहे हैं। बीजेपी के शीर्ष नेताओं को मोदी की गारंटी और सीधे तौर पर मंच से कहा भी गया, जो वादे पूरे करने की गारंटी है, यानी कि गारंटी में भी आप मोदी की गारंटी को ऐड ऑन कर लीजिए, जिससे आपको ये यकीन हो जाएगा कि जो हम कहते हैं वो हम करते हैं। कथनी और करनी में बीजेपी कह रही है कि कोई अंतर हमारा है नहीं। हालांकि कांग्रेस हमलावर है, विपक्षी पार्टी सवाल अभी से उठाने लगी है। अब ऐसे में चुनावी प्रचार भी धुआंधार चल रहा है, चुनावी वादे भी खूब हो रहे हैं और अब बीजेपी की तरफ से संकल्प पत्र जारी कर दिया गया। बेहतर बात यह रही कि जब भी, जैसे ही संकल्प पत्र जारी किया गया, तुरंत जो अलग अलग देश के हिस्से हैं वहां से सरकारी योजनाओं के जो लाभार्थी हैं उन्हें सबसे पहले संकल्प पत्र दिया गया। बहुत ही शुभ दिन है। देश के कई राज्यों में इस समय नववर्ष का उत्साह है। बंगाल में पोयला वैशाख का आनंद है, असम में बोहाग बिहू के साथ देश वैशाखी का जश्न भी मना रहा है, ओडिशा में पाना संक्रांति हो, केरल में विशु हो या फिर तमिलनाडु में नव वर्ष पुथांडू हो, सबको शुभकामनाओं का दौर चल रहा है। आज नवरात्रि के छठे दिन हम सभी मां कात्यायनी की पूजा करते हैं और मां कात्यायनी अपने दोनों भुजाओं में कमल धारण किए हुए हैं। ये संयोग भी बहुत बड़ा आशीर्वाद है। इनके सब के साथ सोने में सुहागा आज बाबा साहब आंबेडकर की जयंती भी है। बीजेपी की तरफ से संकल्प पत्र जारी कर दिया गया है मोदी की गारंटी थीम के साथ। मनोहर केसरी इंडिया न्यूज संवाददाता मेरे साथ में जुड़ गए हैं लाइव। मनोहर, बहुत से ऐसे वादे थे जो एक्सपेक्टेड थे, जिनके बारे में पहले से अनुमान था, लेकिन अनएक्सपेक्टेड और कोई चौंकाने वाला वादा आपको नजर आया क्या? किस तरह की चर्चाएं अब लोगों के बीच में है इस मैनिफेस्टो को लेकर? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि जो चौंकाने वाले संकल्प पत्र में स्कीम डाला गया है उनमें से 2-3 चीजें बहुत ज्यादा है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के लिए जो संकल्प पत्र लॉन्च किया उनमें आयुष्मान कार्ड को लेकर के है और उसमें सभी वर्ग के, चाहे वो गरीब हो, मध्यम वर्ग हो, उच्च मध्यम वर्ग हो, सभी लोग जो 70 साल से ज़्यादा उम्र के हैं उनके लिए ये योजना है कि उनको लागू किया जाएगा अगर उनकी सरकार जो है मोदी 3.0 आती है। पहली बात। दूसरी बात, जो रेहड़ी पटरी वाले हैं,
न सिर्फ शहरों में बल्कि गांवों में भी इस योजनाओं का विस्तार किया जाएगा और जो स्वनिधि योजना के तहत राशि दी जाती है उसको भी बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा आप देखिए, सबसे बड़ी बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है वो कही है कि भाजपा की सरकार और मोदी सरकार जो है वो बड़े निर्णय और कड़े निर्णय लेते हैं, जिनमें उन्होंने से धारा 370 की बात हो या फिर वन नेशन वन इलेक्शंस को लागू करने की बात हो, उन्होंने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन लागू किया जाएगा। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है कि यूसीसी को लेकर के यूसीसी भी लागू किया जाएगा, ये सबसे बड़ी बात है। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के, महिलाओं को लेकर के तमाम योजनाएं जो महिलाओं को लेकर के हैं, खास करके अगर हम किसानों की बात करें तो किसानों को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जो तमाम योजनाएँ हैं, जो भारत किसान निधि योजना है उसका आगे विस्तार किया जाएगा, उसको आगे भी जारी रखा जाएगा। अगर गरीबों की बात करें, जो मुफ्त खाद स्कीम है उसको भी अगले 5 साल तक लागू किया जाएगा, जिसमें से 80 करोड़ लोग जो है सो लाभार्थी हैं। तो इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन तमाम संकल्प पत्र के तहत जो भी वादे किए गए हैं, क्योंकि टोटल जो है सो 14 सेक्टर्स को उन्होंने टच किया है और लाखों लोगों से नमो ऐप या ऑनलाइन या अलग अलग तरीके से उन्होंने लोगों से सुझाव मांगे थे, और आज 4 ऐसे लाभार्थी हैं जो प्रधानमंत्री के अलग अलग योजनाओं का लाभ उठा चुके हैं, उनको मंच से उन्होंने संकल्प पत्र दिया है और कहा है कि आप जनता तक इसे पहुंचाएं कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो गारंटी है वो वही पूरी गारंटी है कि वो उसे लागू करेंगे और समय पर लागू करेंगे। जी, मोदी की गारंटी, ये जो 3 शब्द हैं ये बड़ा जादू मनोहर केसरी आजकल कर रहे हैं। बड़े बड़े बैनर पोस्टर जो लगे हैं वहां पर मोदी की गारंटी लिखा हुआ नजर आता है। आज भी जब संकल्प पत्र जारी किया गया वहां बोल्ड लेटर्स में मोदी की गारंटी लिखा गया था, मतलब जबान पर भी है और लिखा हुआ भी मोदी की गारंटी दिख रहा है। और सीधे तौर पर मंच से ये भी कहा गया कि जो आपको वादे पूरे करने की गारंटी है उसमें भी आप मोदी की गारंटी को ऐड कर लीजिए, यानी कि गारंटी की भी गारंटी ले लीजिए। अब कांग्रेस ये सवाल कर रही है कि बहुत से ऐसे वादे कर तो दिए गए हैं लेकिन पूरे होंगे कैसे, आपसे मैं पूछूंगी। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ये जो टसल है, इसके बीच में लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही है। अभी थोड़ी देर पहले गौरव भाटिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उससे थोड़ी देर पहले सुप्रिया श्रीनेत, पवन खेड़ा कांग्रेस की तरफ से सवाल पूछते हुए नजर आ रहे थे। आम लोगों का रिएक्शन इंपॉर्टेंट रहेगा मनोहर। देखिए, बिल्कुल सही कहा, और वो 4 लाभार्थी जो थे उनसे भी हमने ये पूछा क्योंकि वो आम लोग हैं। जब हमने दिल्ली के कृष्णानगर के रहने वाले रघुवीर से मैंने पूछा, जो कि छोले कुलचे की दुकान लगाता है, और उनसे जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि कोरोना काल में उनकी हालत जो है सो खराब हो गई थी, आर्थिक रूप से वो पूरी तरह से कमज़ोर पड़ गया था, और ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री की जो स्वनिधि योजना है जिसके तहत उन्हें दिया गया, उसके बाद वो आज खड़ा है, और इसीलिए आज मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बुलाया था और उस संकल्प पत्र को दिया। जो कांग्रेस कह रही है कि आखिरकार ये लागू कैसे होगा, तो इसका वो उदाहरण है। बीजेपी के तमाम नेता वही कह रहे हैं कि हमने वो कर दिखाया है और आगे भी करेंगे। इसके अलावा जो विकसित भारत का सपना है, मैं आपको दिखा दूं कि अभी मैं बीजेपी का मुख्यालय का जो एक्सटेंशन पार्ट है यहां पर इस संकल्प पत्र को लॉन्च किया गया था, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक अपने कार्यकाल के दौरान जो भी स्कीम चलाई है उनमें कितनी सफलता रही है वो सफलता की गारंटी यहां पर दिखती है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आप देखिए, समग्र सुधारों में गरीबों में जो कमी आई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आने वाले टाइम में हम जो है सो गरीबी खत्म कर देंगे, भारत गरीबी मुक्त होगा। तो ये आप देखिए, शहरी गरीबी में जो है सो गिरावट आई है और जो अब घट करके 5.27% रह गई है। इसके अलावा आयुष्मान भारत योजना की बात करें जिसमें अब तक 34 करोड़ लोग जो है सो लाभार्थी हो चुके हैं। डिजिटल इंडिया की बात करें तो आप देखिए, डिजिटल इंडिया से कोविन ऐप के जरिए 220 करोड़ लोगों को वैक्सीन दिया गया। प्रधानमंत्री योजना के तहत 38 करोड़ से अधिक रुपये कार्ड जारी किए गए। इसी तरह अलग अलग योजना है, स्किल योजना की हम बात करें या बुनियादी ढांचे की बात करें, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हम 3 तरह की चीज़ें, सोशल, फिजिकल और डिजिटल, इन तीनों तरीके से हम देश
देश को मजबूत करेंगे और तमाम जो फिजिकल योजनाएं हैं, जो बुनियादी योजनाएं हैं, चाहे एयरवेज हो, वाटरवेज हो या रेलवेज हो, इसको और मजबूत करेंगे। वंदे भारत ज़्यादा से ज़्यादा चलाई जाएगी, नमो भारत, वंदे मेट्रो ये चलाई जाएगी और कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के जरिए जो है सो लोगों तक सुविधाएँ पहुँचाई जाएगी। ये दावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और उन्होंने कहा है कि हमने अभी दावा ही नहीं कर रहे बल्कि हमने कर दिखाया है। साथ ही साथ उन्होंने टूरिज्म को लेकर के कहा है कि भारत में टूरिज्म की उन जगहों को हम और डेवलप करेंगे ताकि हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है उसको हम टूरिज्म से जोड़ेंगे और विदेशी सैलानियों को भी भारत की ओर आकर्षित करेंगे। इससे स्वरोजगार उत्पन्न होगा और लोगों को फायदा होगा। स्टार्टअप इंडिया की भी उन्होंने बात की है कि उसमें भी आगे हम जो योजनाएं हैं, जो स्कीम हम चला रहे हैं, उसको जारी रखेंगे जी। लेकिन मनोहर, जिस तरीके से संकल्प पत्र जारी करने के तुरंत बाद हाथों में लिया और फिर वो देश के अलग अलग राज्यों से आए हुए लाभार्थी, उन्हें बुलाना, उनके बारे में बताना और उन्हें संकल्प पत्र देने के साथ ही संकल्प पत्र के बारे में बताने की शुरुआत करना, इसे एक बेहतर इनिशिएटिव के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि बीजेपी लगातार कहती है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, और ये अलग अलग देश के हिस्सों में अगर मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ लोग पा रहे हैं तो ये भी एक बड़ा संदेश है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि मेरी बात बस्तर से आई, ईश्वरी से हुई, उस दौलत मौर्य से हुई, और फिर हम बात करें हरियाणा के झज्जर से एक किसान रामवीर आए थे। रामवीर से जब हमने बात की तो उन्होंने बोला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए जो काम किया है उससे हमें बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। वो उन महिलाओं ने कहा कि उनको उज्ज्वला योजना का फ़ायदा मिला, मातृत्व शिशु योजना का फ़ायदा मिला, और उन्होंने ये बात कही कि हमें आवास मिला है। मतलब समझ सकते हैं, जिस प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है उनके जरिए ये मैसेज देने की कोशिश की गई है कि अगर आप मोदी पर विश्वास करते हैं, और एक मैसेज भी कि जब ये योजनाओं का लाभ पाकर यहाँ तक पहुंचे हैं, अपने पैरों पर खड़े हैं, अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, तो आप भी इस तरह की योजनाओं का लाभ पा सकते हैं और मोदी सरकार की योजनाओं से जुड़ सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका मनोहर, इस अपडेट को हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। इस वक्त बांसुरी स्वराज कुछ बोल रही है, सीधा सुनेंगे। रूप में उभरेगा, हम एक मेन हाईलाइट्स पे आते हैं। यूसीसी भी बात की, उन्होंने सीए के बारे में कहा, आयुष्मान स्कीम को एनहांस करने के लिए कैसे देखेंगे? चार वर्ग हैं, गरीब, अन्नदाता, महिला और युवा, ये चार स्तंभ हैं विकसित भारत के, और हमारे संकल्प पत्र में आपको कुछ ना कुछ हर किसी के लिए मिलेगा। आयुष्मान भारत में अब 70 वर्ष से ऊपर के हमारे भारत के जितने भी सीनियर सिटीजन हैं सबको मुफ्त हेल्थ कवर मिलेगा, और इसमें फर्क नहीं पड़ता कि आप किस इकोनॉमिक स्ट्राटा में आते। मैं जानती हूं कि इस स्कीम से युवाओं को भी कुछ राहत मिलेगी, क्योंकि हम सब अपने माँ बाप की बहुत फिक्र करते हैं। युवाओं की बात करें तो आप देखिए, नई यूनिवर्सिटीज बनेंगी, स्टार्टअप के इतने एवेन्यूज बनेंगे, डिजिटल, सोशल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट की बात करी गई है। पीएम सूर्य घर इतनी रेवोल्यूशनरी स्कीम है जहां पर मुफ्त बिजली मिलेगी, और मुफ्त बिजली से भी बेहतर क्या होगा, जो एक्सेस बिजली उसको ग्रिड पे बेचिए और आपकी आमदनी भी होगी। और अगर आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल अपना लिया तो अरे भाई, आपका तो ट्रांसपोर्टेशन का भी बिल जीरो होगा, क्योंकि वो जो मुफ्त बिजली है उसी से अपनी गाड़ी को चार्ज करिए और फिर जाइए। क्योंकि बीजेपी का संकल्प पत्र अब सभी के सामने है और जो सरकार की तरफ से वादे किए गए हैं, बीजेपी की तरफ से जो वादे हैं, अब उन वादों पर चर्चा हो रही है और कुछ रिएक्शंस भी सामने आए हैं। क्योंकि संकल्प पत्र जैसे ही जारी हुआ, कांग्रेस सवाल उठाने लगी, विपक्ष का काम सवाल उठाना है, लेकिन कैसे बीजेपी इसे अप्रिशिएट कर रही है, बेहतर संकल्प पत्र बता रही है, लोगों के हित का संकल्प पत्र बता रही है, सुनिए। अम्बेडकर जयंती के अवसर पर उसके विमोचन की बात कर रहे हैं और ये देश के सामने अपनी बात रखी है। मैं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बधाई देना चाहूंगा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को बधाई देना चाहूंगा कि आज हमने अपने विजन डॉक्यूमेंट को संकल्प पत्र के सामने रखा कि हम अगर कोई संकल्प लेते हैं तो उसको लागू भी करते हैं। मेरी अपनी ओर से बधाई। प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर 15 लाख से ज्यादा सुझाव आए हैं, व्यक्तियों ने, संस्थाओं ने सुझाव दिए। सही अर्थों में ये जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा संकल्प पत्र है, जिसमें 2047 का भारत कैसा होगा इसका रोड मैप बनाया गया है। विकसित भारत,
ये हमारा लक्ष्य है और इसकी पूर्ति के लिए हर संभव उपाय। 100 दिन की कार्य योजना सरकार बनने के बाद क्या होगी, समाज के हर वर्ग का कल्याण इस पर इसमें निहित है। देखिए आज का जो हमारा भाजपा का संकल्प पत्र है ये सीधा सीधा माननीय प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट संकेत है देश को कि भारत अब विकसित भारत बनने की दिशा में आगे जा रहा है। और जिस तरह से भ्रष्टाचारियों पे नकेल कसने की बात कही है, 3 करोड़ और घर देने की बात की गई है, 70 साल से ऊपर के जो हमारे सीनियर सिटीजन है उनको आयुष्मान योजना में प्रत्येक घर को जोड़ने की बात की गई है, सूर्य योजना के माध्यम से बिजली मुफ्त देने की बात की गई है, ये देश में क्रांतिकारी कदम है, देश के हर वासी को उसका लाभ मिलने वाला है। संकल्प बहुत बढ़िया संकल्प पत्र है, एकदम माइंड ब्लोइंग है। पूरा देश मोदी के साथ है, जीतेंगे मोदी, आएंगे मोदी, छा गए। बीजेपी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, कह रही है इसी संकल्प पत्र के आधार पर हम 400 पार करेंगे, अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे और लोगों के हित में काम करेंगे।